हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम सीएनसी सिमुलेटर के पार्ट टू में सॉफ्टवेयर के कुछ बेसिक फंक्शंस को रीड करेंगे। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि आप हमारे तमाम आने वाली वीडियो को देख सकें। तो आप टाइम ना ज़ाया करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, हमने पहले लेक्चर में हमने देखा था, वीडियो में देखा था कि हमने सीएनसी सिमुलेटर को कैसे इंस्टॉल किया था। तो आज हम इसके कुछ बेसिक फंक्शंस को देखेंगे। जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं इसके यहाँ पे, तो गाइस इसके अंदर हम व्यू के चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ये दोनों पैनल सामने दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ से हम अगर प्रेस करेंगे तो ये फुल स्क्रीन को शो करेगा, और अगर हम दोबारा प्रेस करेंगे तो ये हाफ पैनल शो करेगा। हम इसे खुद भी सेट कर सकते हैं। और अब हम देखते हैं इसके दूसरे फंक्शन को। ये दोनों जूम इन और जूम आउट के तौर पर काम करते हैं। ये जूम इन और ये जूम आउट के तौर पर काम करता है। और अब हम चलते हैं इसके तीसरे फंक्शन की तरफ। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ये स्क्रीन रोटेट हो चुकी है। अब हमने इसे ये प्रेस करने से ये व्यू रीसेट हो जाएगा, यानी कि पहले वाली जगह पे वापस आ जाएगा। हम चलते हैं इसके चौथे फीचर की तरफ। ये जूम काम करता है माउस के ऊपर लगे हुए कर्सर की मदद से। ये जूम काम करता है, जैसे कि हम व्हील को आगे करेंगे तो ये जूम इन हो जाएगा, और व्हील को पीछे करेंगे और ये जूम आउट हो जाएगा। अब हम चलेंगे इसके अगले फीचर की तरफ। ये पैन व्यू है। जैसे कि हम आप देख सकते हैं कि इसे किसी भी जगह से पकड़ के आप पैन को, पेज को ऊपर नीचे या आगे पीछे कर सकते हैं। और इससे अगले फीचर्स की तरफ चलते हैं हम। ये देखें रोटेट की मदद से आप हम इसे किसी भी जगह से रोटेट कर सकते हैं, पेज को, मशीन को आगे से पीछे जहाँ मर्जी से देख सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले फंक्शंस की तरफ। ये डायनेमिक जूमर है। ये काफ़ी अच्छा जूमर है। इसकी मदद से आप जहाँ चाहें से जूम कर सकते हैं। ये देखें आप, जैसे कि ये जूम कर रहा है, इसे छोटी से छोटी जगह आप जूम कर सकते हैं। और अगला फंक्शन आप ये देख सकते हैं, ये सिर्फ 2D दिखाएगा, 2D व्यू, यानी कि मशीन की बॉडी वगैरह सब कुछ हाइड कर देगा। ये देख। और नेक्स्ट फंक्शंस की तरफ चलते हैं। ये एक्स एक्सिस है। इस वक्त हम काम कर रहे हैं एक्स एक्सिस और जी एक्सिस में। अगर आप इसके एक्स एक्सिस चेंज करना चाहते हैं तो ये इसके डिफरेंट एक्सिस हैं। अब हम चलते हैं इसके अगले फंक्शन की तरफ, जो कि शो मशीन है। इसके अंदर सिर्फ ये टेस्ट ऑक टर्ट और चक और वर्क पीस दिखाएगा, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट फंक्शन की तरफ, जो कि है मेजरमेंट्स। इसका सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ ज़्यादा काम तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये डिफरेंट तरीके से यूज़ होता है, डिफरेंट तरीके से इसकी मेजरमेंट्स वगैरह ली जा सकती हैं, लेकिन अभी हमारा इससे कुछ खास काम तो नहीं, इसलिए हमें इसे अभी नहीं सीखेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन की तरफ, जो कि ये साउंड वगैरह को आप ऑन कर सकते हैं और ऑफ कर सकते हैं। और ये स्क्रैप वगैरह, जो कि मशीन पर काम करते हुए स्क्रैप वगैरह गिरता है वर्क पीस के ऊपर से, ये शो करना है या नहीं ये आपकी मर्जी है। ये कूलर वगैरह है, पानी वगैरह जो ऊपर लगे हुए हैं कूलर के पाइप वगैरह। और ये वर्क पीस के डिफरेंट व्यूज़ वगैरह को आप देख सकते हैं इसकी मदद से, जैसे कि आप देख सकते हैं वर्क पीस को डिफरेंट तरीके से। और आप मशीन के डिफरेंट तरीके से व्यूज़ को देख सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। और अब हम चलते हैं अपने अगले फंक्शंस की तरफ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये टर्ट है। टर्ट को आप हाइट या शो कर सकते हैं, और टर्ट के ऊपर कितने टूल्स वगैरह लग सकते हैं उनके देख सकते हैं, कोऑर्डिनेट नंबर वगैरह देख सकते हैं ये कितने लगे हुए हैं, और टूल्स वगैरह को हाइट या शो कर सकते हैं आप इसके ऊपर। और गाइड लाइन्स शो ट्रेस वगैरह जो होती हैं, जब हम वर्क पेस के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो वो एक लाइन शो करता है, तो उस लाइन को हम हाइड या शो वगैरह कर सकते हैं। तो गाइस, आज हमने सीएनसी सिमुलेटर के अंदर कुछ बेसिक फंक्शन के बारे में जाना, और हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो फंक्शन रह गए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर गाइस आपको हमारे ये वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ओके गाइस।